हेलो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट का एग्जाम देखते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड एज ऑन 31 मार्च 2024 फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ओरिएंटल बैंक। बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट बैलेंस ₹3 लाख, डिस्काउंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 1 अप्रैल 2023 ₹5,000। The average due date of the above discounted bills is 12th June 2024. Rate of discount is 12% per annum. Past journal entries and prepaid discount account for the year 23-24. तो ये सब है गुजरात यूनिवर्सिटी में एस वाई बी कॉम नवम्बर 2019 के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनाना है और डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है एडवांस में वो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले बिल्स का जो अमाउंट है वो लिखना है। तो बिल्स का अमाउंट कितना है, बिल्स डिस्काउंटेड जो है उसका अमाउंट है ₹3 लाख। रेट रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 12% इंटू डेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें डेट डेज लिखना है। ठीक है, कौन से डेज लिखना है, बैलेंस शीट के डेज से आपका जो ड्यू डेट है वहाँ तक कितने डेज हो रहे वो लिखना है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला बनाना हो तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा। बिल्स डिस्काउंटेड इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू ड्यू डेट। ठीक है, तो बिल्स डिस्काउंटेड हमने लिख दिया, उसका अमाउंट जो है कितना, 3 लाख। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, वो भी लिख दिया। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू ड्यू डेट, बैलेंस शीट का जो डेट है आपका वहाँ से लेके ड्यू डेट कितने नंबर्स होते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस शीट का डेट कौन सा है, 31 मार्च 2024, ये आपका बैलेंस शीट का डेट है। ठीक है, और ड्यू डेट कौन सा है, 12 जून। ये आपके बिल्स का ड्यू डेट है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने डेज होते हैं वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। 31 मार्च यानी ये मार्च तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, अप्रैल, अप्रैल में कितने डे होते हैं, 30। उसके बाद मई, मई में कितने होते हैं, 31। उसके बाद जून, जून के कितने लेना है, 12, क्योंकि आपका जो ड्यू डेट है वो कौन सा है, 12, तो जून के 12। तो टोटल करेंगे तो 73 डेज आते हैं। ठीक है, ये डेज है, टोटल 73 डेज यहाँ पर हमें फॉर्मूला में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 7,200 रुपीस। तो ये जो है 7,200 रुपीस, ये आपको डिस्काउंट एडवांस में मिला है। ठीक है, तो
तो इतने कैलकुलेशन करने के बाद हम जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिएंटल बैंक। सबसे पहला 1 अप्रैल 2023 को लास्ट ईयर की जो एडजस्टिंग एंट्री है उसे रिवर्स करना है। तो देखो सब में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 1 अप्रैल 2023 यानी ओपनिंग बैलेंस दिया है। ये एक्चुअली लास्ट ईयर का जो डिस्काउंट है वो एडवांस में मिला होगा लास्ट ईयर में, तो इसका एंट्री अब हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो उसका जर्नल एंट्रीज करेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना अमाउंट था? 5,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 लास्ट ईयर से एडजस्टिंग एंट्री रिवर्स्ड। उसके बाद करंट ईयर का जो डिस्काउंट है वो एडवांस में मिला उसका जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट एडवांस में मिला उसका जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर होगा 31 मार्च 2024 ये वाली डेट को। ठीक है, ईयर एंड को डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एट द क्लोज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट कितना होता है तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके फाइंड किया है 7,200। तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 7,200। तो आपका सेकंड जर्नल एंट्रीज हो गया 7,200 वाला। उसके बाद पूरे ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट है वो अर्न हुआ, तो देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया है 60,000 डिस्काउंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपको इतना डिस्काउंट अर्न हुआ है तो उसका जर्नल एंट्रीज करेंगे सेंट्रा अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60,000 डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000। ठीक है, तो ये हो गया। एट एंड लास्ट में बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो पीएल अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू पीएल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब ये जो है इसका आंसर कहाँ से आएगा अमाउंट का, तो हमें क्या करना होगा, जर्नल एंट्री जो है 1 और 3 का प्लस करेंगे 1 प्लस 3 और उसमें से सेकंड जर्नल एंट्रीज को माइनस करेंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा जर्नल एंट्रीज नंबर 4 का। ठीक है, जर्नल एंट्री नंबर 1 जर्नल एंट्री नंबर 3 इनका टोटल करेंगे उसमें से जर्नल एंट्रीज नंबर 2 माइनस करेंगे। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 5,000 नंबर 3 60,000। तो 60,000 प्लस 5 65,000। 65,000 में से सेकंड जर्नल एंट्री जो है वो माइनस करना है 72,000। तो आपका आंसर है यहाँ पर आ रहा है 57,800। तो इस तरह से आपका जर्नल एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो जर्नल एंट्रीज हो जाने के बाद हमें डिस्काउंट अकाउंट भी रेडी करना है। तो डिस्काउंट अकाउंट कैसे रेडी करेंगे तो वो देखो। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है, लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले देखो जर्नल एंट्रीज नंबर 1, उसमें डिस्काउंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 5,000 से। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पर फाइव थाउजेंड। डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 2023। डिटेल में क्या लिखेंगे, ये जो डेबिट हुआ है वो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग हो गया, यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है 7,200 से। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 31 मार्च 2024, अमाउंट है 7,200। डिटेल में क्या लिखेंगे, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंटेड।
तो सेकंड जर्नल एंट्रीज का भी पोस्टिंग कर दिया। थ्री, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, तो यहाँ पर 60,000 से डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। डिटेल में क्या लिखेंगे, सनड्राई अकाउंट। थर्टी फर्स्ट 24। अब यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट क्लोज करने का टाइम हो रहा है, तो पीएल अकाउंट में कितना अमाउंट ले जाएंगे वो यहाँ पर फाइंड करेंगे। पीएल अकाउंट 31 मार्च 2024, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल 65,000 आ रहा है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज करते टाइम मैंने आपको सिखाया था क्या करना है, 1 और 3 का टोटल करना है। जर्नल एंट्री नंबर 1 5,000, 3 60,000। तो देखो 5,000 60,000 टोटल किया, उसमें से जर्नल एंट्री नंबर 2 माइनस करना है। 2 का अमाउंट कितना है, 7,200, ये माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 57,800। तो इतना आप यहाँ पर पीएल अकाउंट में ले जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।